मनोज तिवारी के आने से कुछ नहीं होता, आता है दो भाषण करेगा फिर निकल लेगा 9-2-11। जब पब्लिक जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? वादे कर रहे हैं वो पानी, वादा क्या करेगा, कुछ नहीं दे रहा। हम तो मंदिर से पानी लेके भर के अभी आपके सामने भर के लगा नहीं है। जंगल में बताइए, जंगल में कोई व्यवस्था है आपके पास में? कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने पूजा कहाँ पर की आज? ये सामने इस घाट पे किया हूँ, नीचे जाकर। नीचे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं व्यवस्था, व्यवस्था भी नहीं है। पानी में पब्लिक गंदा पानी में हम लोग खड़े हुए हैं। बोट का पानी बता रहे हैं? हाँ, जलबोज की वाली बिल्कुल गंदे पानी में खड़े हम लोग वहाँ हुए हैं। पर डीएम साहब बता रहे थे जलबोट का एकदम स्वच्छ पानी आएगा। कुछ नहीं, गंदे पानी हम लोग खड़े थे छठ पूजा पर। और क्या, मेरे परिवार पर सब गंदे पानी में। किसी का जुगाड़ नहीं है, कहाँ रहेगा बच्चे? वो जाजिम बिछा के कम्बल दे के आया हूँ, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाना का, ना पानी का, ना लेटरिन का, ना बाथरूम का, क्या कोई चीज़ का ठिकाना नहीं है भैया। हाँ जी, वो आप लोग का कृपा, आप लोग भी देख रहे हो इसीलिए आप लोग चैनल में। नगर से ये लोग आए हैं, करीबन 30 से ज़्यादा लोगों की संख्या है, 35 के आसपास, लेकिन इन लोगों के लिए भी छठ की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़ और मैं इस समय मौजूद हूँ सोनी विहार इलाके में। आज जो है छठ का पर्व है और इस पर्व के लिए दूर दूर से लोग जो है छठी मैया को याद करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पर यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर मनोज तिवारी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मनोज तिवारी आगे थे, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने इनसे थोड़ा जानना चाहूँ कि ये गाड़ी जो खड़ी हुई है, तो भाई साहब ये गाड़ी आप खड़ी हुई है क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठे? हम लोग भैया टाइम पास कर रहे हैं, छठ पूजा के लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर? यस। अच्छा, थोड़ा मैं चढ़ जाता हूँ उसके ऊपर। तो भाई साहब आप बताएं आपका नाम क्या? थोड़ा पास आइए, थोड़ा आ गया। मेरा नाम राम कुमार है। आ जाइए, राम कुमार है। राम कुमार जी, ये बताइए आज छठ पर्व है जी, काफी अच्छा त्यौहार है, इस त्यौहार के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से नहीं दिल्ली के बाहर से भी दिल्ली के अंदर पूजा करने के लिए। जी हाँ जी, लेकिन जिस तरीके से आज छठ पूजा के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, उस व्यवस्था को आप बताइए पहले। कुछ व्यवस्था? व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, व्यवस्था तो कुछ नहीं है। ये गाड़ी आप लोग कहाँ से लाए हैं? ये अपना किराया पे ला रहा भैया, कीर्ति नगर से आए हैं। कीर्ति नगर से किराए पे गाड़ी लाए हैं, पूरी रात इसमें बिताने वाले हैं। पूरी रात इसमें बिताएंगे। नीचे जो घाट बनाए गए हैं सरकार द्वारा, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, वो व्यवस्था आपको पसंद नहीं आई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पल्ली है, बिछौना है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है भैया। पल्ली क्या बताइए, बिस्तर उस्तर का कोई चीज का जुगाड़ नहीं है, कहाँ रहेगा बच्चे? वो जाजिम बिछा के कम्बल दे के आया हूँ, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाना का, ना पानी का, ना लेटरिन का, ना बाथरूम का, क्या कोई चीज का ठिकाना नहीं है भैया। हाँ जी, वो आप लोग का कृपा, आप लोग भी देख रहे हो इसीलिए आप लोग चैनल में आए हो। अभी सुन रहा था मैं, मनोज तिवारी पहले उधर थे, अब मनोज तिवारी इधर आ गए हैं। मनोज तिवारी के आने से कुछ नहीं होता, आता है दो भाषण करेगा फिर निकल लेगा 9-2-11। जब पब्लिक जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? वादे कर रहे हैं वो पानी, वादा क्या करेगा, कुछ नहीं दे रहा। हम तो मंदिर से पानी लेके भर के अभी आपके सामने भर के लाया हूँ, देखो है कि नहीं बोतल, दिखाना भैया कहाँ बोतल रखे हो? बोतल ले गया अभी छोटू मेरा, देख सकते हैं आप। ये जो कीर्ति नगर से गाड़ी आई है, किराए पे गाड़ी लोग लाए हैं अपनी, और मनोज तिवारी की मैंने जब इनको बात कही तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाषण देते हैं कुछ नहीं कहते। मैं अंकल से थोड़ा जान लेता हूँ कि सबसे जो है उम्र में थोड़े बड़े हैं, तो आप बताइए, आपका तजुर्बा थोड़ा बड़ा होगा, तो जो व्यवस्था पहले से अच्छी नहीं लग रही आपको? बिल्कुल नहीं व्यवस्था है। पहले आप लोग कैसे आते थे यहाँ? हम लोग पहले जमुना जी जाते थे, घाट पे जाते थे, वहाँ पर प्रोग्राम होता था, खेसारी लाल पवन सिंह सब आता था, तो वहाँ पर अच्छा प्रोग्राम होता था, हम लोग देखते थे सारे। अभी आए हुए हैं ना, बाकी हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल में बताइए, जंगल में कोई व्यवस्था है आपके पास में? कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने पूजा कहाँ पर की आज? ये सामने इस घाट पे किया हूँ, नीचे जाकर। नीचे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं व्यवस्था, व्यवस्था भी नहीं है। पानी में पब्लिक गंदा पानी में हम लोग खड़े हुए हैं, बोट का पानी बता रहे हैं। हाँ, जलबोज की वाली बिल्कुल गंदे पानी में खड़े हम लोग वहाँ हुए हैं। पर डीएम साहब बता रहे थे जलबोट का एकदम स्वच्छ पानी आएगा। कुछ नहीं, गंदे पानी हम लोग खड़े थे छठ पूजा पर। और क्या, मेरे परिवार पर सब गंदे पानी में खड़े थे। कितने लोग आए आप आज? जो हम लोग करीब 35 आपकी दो गाड़ी है, दो गाड़ी पहले भी आप किराए से आते थे पर अंदर छठ बनाते थे। हाँ, वहाँ पर मंगाते थे, क्या नाम है, जमुना जी में। बाकी वहाँ नहीं होने कोई मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ हम लोग को व्यवस्था टच नहीं मिला है, ना कुछ खाने की व्यवस्था है, ना कुछ रहने की व्यवस्था है। ठंड का मौसम है, मौसम बदल चुका है, तो आप इसी में रात काटने वाले क्या? रात इसी में देख रहे आपको सामने में, मैं ताश खेल के, जुआ खेल के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। 28 खेल रहा हूँ, सामने देखो गुली लगा हुआ, सामने खेल रहा हूँ, यही टाइम पास कर रहा हूँ। रात इस गाड़ी में आपको बताने, ठंड वगैरह का कोई जुगाड़? कोई जुगाड़ नहीं भाई, व्यवस्था भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तभी तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब बच्चे को आप अपना दरी बिछा के आए हैं, बच्चे लोग को बाहर टेंट के बाहर में बिछा के आए हैं, बच्चे लोग बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, तो महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग, सब कुछ है, पूरे परिवार हम लोग फैमिली आए हुए हैं, सारे लोग साथ। हाँ, पर कोई व्यवस्था यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है। तो देख सकते हैं कीर्ति नगर से ये लोग आए हैं, करीबन 30 से ज्यादा लोगों की संख्या है, 35 के आसपास, लेकिन इन लोगों के लिए भी छठ की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, पहले
कि वहाँ पर जो है लोग ज़मीनों पर लेटे थे, पर ये लोग जो है अपनी गाड़ी किराए पर लाए हैं, तो इन लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए फिर भी ये लोग अपना चारपाई मतलब चटाई लगा के बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि जो प्रशासन किस तरीके से इन लोगों के लिए व्यवस्था करे हुए हैं। यहाँ पर कैमरामैन मोहित के साथ मैं राजशेखर, और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस।